एक बार हॉस्टल टूर तो होना ही चाहिए। बॉयज हॉस्टल है फिर से, मैं कह रहा हूँ काई जम चुकी है। अच्छे तौलिए सब कुछ मिलेगा। का इतना पड़ता है कि इस लड़के की सपली आ चुकी थी। Hey guys, welcome to my new vlog and आज आप सबको काफी curiosity थी कि एक बार हॉस्टल टूर तो होना ही चाहिए। एंड आप सबने अगर वो अनुभव सिंह बस्सी वाली वीडियो देखी होगी। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। कि अगर आप लाइफ में एक बार बॉयज हॉस्टल नहीं रहे तो आप लाइफ में जरूर कुछ मिस कर रहे हैं। आप सबको एक बार तो बॉयज हॉस्टल का एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ जो हरकतें होती है वो आपको हरकतें और दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट दी हॉस्टल टूर। जैसे कि आप देख सकते हैं दोपहर हो चुकी है एंड जैसे कि ये बॉयज हॉस्टल है अभी तक कोई नहीं लगा। मैं जा चुका हूँ बिकॉज मेरे को ब्लॉग बनाना था एंड दिस इज द राइट टाइम बिकॉज सारे सोए होते हैं एंड मैं आराम से खुला होके जो बोलना चाहता हूँ मैं बोल सकता हूँ, आराम से ब्लॉग बना सकता हूँ, इसलिए मैं जगह। आपको अगर नहीं पता कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ तो आई स्टडी इन द GSVM मेडिकल कॉलेज। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बिकॉज हमारे कॉलेज का नाम है श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश। ऐसा में शिष्टाचार की क्लासेस में सिखाया गया है। हैशटैग जिनको पता है उनको पता है। I live in boys hostel too and this is the basically ये hostel है। ठीक है, ये तीन दो फ्लोर्स का hostel है, not including ground floor। ग्राउंड फ्लोर मिला के लाइक तीन फ्लोर हो जाएंगे। ठीक है, let's enter and आपको मैं पूरा hostel tour देता हूँ। सो दिस इज़ वन कॉरिडोर। यहाँ से आगे जाके एक टर्न आता है, फिर एक और कॉरिडोर स्टार्ट होता है, और यहाँ से आगे जाके एक टर्न आता है, फिर एक और कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। एंड एज यू कैन सी दी बाइक्स, लाइक वी आर अलाउड टू हैव आर ओन बाइक्स यहाँ पर कॉलेज पे, बिकॉज इंटर्नशिप के टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो बाइक से मेक्स आवर वर्क ईजी। एंड दिस इज़ दी ओनली एंट्रेंस जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं अपने हॉस्टल में। लेट्स गो। आई लिव ऑन दी फर्स्ट फ्लोर। हाँ, वन मोर थिंग, इस वीडियो में जो मेरी हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनाने में, दैट इज मुकुल त्यागी। मुकुल त्यागी का चेहरा जिस को देखना था वो इस व्लॉग में देख सकता है। बेसिकली ये जो मैंने लाइन बोली है दैट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर वन पर्सन। ठीक है, उनको पता लग जाएगा मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। ये लाइक यहाँ से हम स्टेज से आते हैं। मुकुल भाग क्यों रहा है भाई? यहाँ से स्टेज से आते हैं एंड आपके पास ऑप्शन होते हैं वेदर टू गो राइट और लेफ्ट। ठीक है, राइट जाते हैं देन यहाँ से मेरा रूम पड़ेगा एंड यहाँ से देन आपका फिर दूसरे सब बहुत सारे रूम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो और आगे जाके देर इज़ अनदर टर्न, लेफ्ट या राइट आपके पास ऑप्शन होता है। एंड दिस इज़ यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं। तो यू कैन सी कि ये जो हॉस्टल है इट्स काइंड ऑफ ई शेप में हॉस्टल है। सो दिस इज़ द मिडिल विंग एंड वहाँ से राइट एक विंग है एंड यहाँ से वहाँ जाने पे एक विंग है। ठीक है, ये गाइस हुआ तो टीटी रूम हुआ करता था लेकिन आप इसकी कंडीशन देख के बता ही सकते हैं इसका क्या हाल हो चुका है। अब ये स्टोर रूम कम गार्बेज रूम ज़्यादा हो चुका है। तो ये वाला जो कॉरिडोर है, इस वाले कॉरिडोर में सारे सीनियर्स रहते हैं। दीज आर द रूम्स तो सारी सीनियर्स के हैं। शाद प्लीज से हाय टू माय व्लॉग। ठीक है, सो गाइस दिस इज द स्टेयर्स। एक बीच वाले कॉरिडोर में स्टेयर्स है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉरिडोर में स्टेयर्स है एंड एक एक्सट्रीम राइट वाले कॉरिडोर में स्टेयर्स है। ठीक है, एंड फिर से वही मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज वेयर मुकुल लिव्स। के डोर्स की कंडीशन देख के आपको पता लग ही गया होगा दिस इज बॉयज हॉस्टल एंड प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। एंड ये वाला मैंने कॉरिडोर आपको दिखा दिया था, नाउ कम बैक टू ये वाला कॉरिडोर। सेम जैसा वो वाला कॉरिडोर था वैसे भी ये वाला कॉरिडोर है। यहाँ पर भी लाइक ये सारे सीनियर्स के रूम्स है। ठीक है, सारे सीनियर्स के रूम है एंड वहाँ से जाके अगर आप टर्न लेते हैं
तो वो प्रॉपर जैसा उस वाले विंग में कॉरिडोर था वैसे इस वाले विंग में कॉरिडोर है, एट द एंड वॉशरूम है शोरी। सो इस वाले विंग का ये वाला स्टेयर्स है एंड यहाँ से आप ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ये सारे सीरियस के रूम है, पर जैसे उस वाले विंग में मुकुल का रूम था वैसे इस वाले विंग में मेरे बैचमेट्स का रूम है। यहाँ पर रहते हैं धर्मेंद्र यादव और जितेंद्र राजपूत। गाइस दिस इज द रूम, से हाय। ये गाइस थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया इन लोगों के लिए क्योंकि मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, बट आप ये देख सकते हैं कि दिस इज बॉयज हॉस्टल रूम जो रहता है। अरे मेरा रूम इससे ज्यादा गंदा है, तुम क्या बात कर रहे हो। एंड जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कच्छे तौलिए सब कुछ मिलेगा। एंड गाइस ये साइकिल आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बोला था कि हमारा जो वॉशरूम है हमारे रूम से वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो व्हाट वी डू इज़ कि वी साइकिल एंड हम वॉशरूम तक जाते हैं। तो ये वाली साइकिल थी जिसको हम यूज़ करके वॉशरूम तक जाते हैं। रूम से आपको पीजी वाला हॉस्टल भी दिख जाता है। तो गाइस इस वाले रूम से ये वाला, दिस इज़ द पीजी हॉस्टल। एंड धर्मेंद्र की पढ़ाई इट्स ऑन इट्स पीक, देख सकते हैं बुक से बहुत पढ़ाई करता है ये लड़का। इसने ये भी बनाया, ओह माय गॉड गाइस, ये लड़का इतना पढ़ता है कि इस लड़के की सपली आ चुकी थी। गाइस दिस इज द थर्ड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर है एंड सेम ही मैप है जो आपको मैंने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का दिखाया था। नॉट अ बिग चेंज, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सो दिखाने का भी फायदा नहीं है। नाउ लेट्स गो ऑन द टेरेस, टेरेस दिखाता हूँ मैं आपको अपने हॉस्टल का। ऊपर से दिखता है कानपुर का, आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, आगे से बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द टेरेस, काफी अच्छा व्यू मिलता है। पाथ आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द शॉर्टकट, यहाँ से आप आसानी से मेरे कॉलेज से बाहर जा सकते हैं। एंड जब भी मैं जिम जाता हूँ आई यूजली प्रेफर दिस, ये वाला रास्ता, बिकॉज काफ़ी पास पड़ जाता है। एंड एज यू कैन सी वहाँ पर एक मेरे सीनियर है, ही स्टडिंग। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा अपने फ्लोर का, बिकॉज दिस इज़ द फ्लोर, ये मिडिल विंग है जहाँ पर मैं रहता हूँ, 11 रूम नंबर 50। रूम सारी सीनियर्स के हैं मेरे। एंड जैसे कि हम एंटर करते हैं, दिस इज़ द टेरेस, तो मिडिल विंग है। मिडिल विंग की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर ना देयर इज़ अ काइंड ऑफ, ये बैल्कनी टाइप है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर, खाना भी मैं यहीं पर खाता था जब भी ठंड होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, होली भी हम यहीं खेलते थे। एंड कैन यू गाइस सी दिस टंकी, इस टंकी का ये सीन है कि ये खुल जाती है अपने आप, ठीक है, इसको यू कैन ओपन इट। तो लॉन्डो का ये है कि जितना कम मेहनत करें वो प्रेफर उतना ही ज़्यादा करते हैं। तो कोई भी कुछ कर रहा है, नहाना चाहता है इसी टंकी से पानी निकाल लेता है, वहीं से नहा लेता है, कोई दिक्कत नहीं लोगों को। यहीं पर ब्रश करते हैं, यहीं पर सब कुछ यहीं पर होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड मिडिल विंग में दिस इज़ दी यूरिनल, दी वन एंड ओनली यूरिनल। एंड इस यूरिनल की खास बात यह है, अरे भाई साहब दीवारें, ओहो फील्स। तो इस यूरिनल की खास बात यह है कि इसमें रात में लाइट नहीं है, लाइक इसके अंदर बल्ब नहीं है, मैं अपना निशाना खुद ही लगाना पड़ता है। एंड वो कभी कभी निशाना गलत भी लग जाता है, कभी कभी ठीक भी लग जाता है, डिपेंड्स कि हमारी एक्यूरेसी किस टाइप की है, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया है कि स्टेप्स याद हो गए कि हाँ 2-3 स्टेप्स के बाद यूरिनल आ जाता है एंड इतने डिग्री रोटेट करना पड़ता है, देन इट्स द परफेक्ट पोजिशन टू डू। दिस इज़ दी बैडमिंटन कोर्ट, जो कि लग नहीं रहा बिल्कुल भी बैडमिंटन कोर्ट, बट हुआ करता था। गाइस सी फेसिंग और रोड साइड फेसिंग हाउसेज तो आपने देखे होंगे, बट दिस इज काइंड ऑफ यूनिक, ये जंगल फेसिंग हॉस्टल है। दिस इज द रूम्स ऑफ ऑल माई बैचमेट्स, यहाँ भी मेरा बैचमेट रहता है। दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम। डोर की हालत देख लो, आपको मैं रूम टूअर भी दूंगा बट अभी नहीं दूंगा बिकॉज कंडीशन बहुत ही ख़राब है, मैं क्या ही बताऊँ। एंड दिस इज अनदर रूम जो भी मेरे दोस्त का है। एंड दिस इज़ द रूम जहाँ पर सारे चिल करते हैं, जैसे देख सकते हो एवरीबॉडी स्लीपिंग राइट नाउ। 2 बज रहे हैं, ठीक है, एंड काफ़ी लेट सोते हैं सारे। दिस इज हॉस्टल लाइफ, दिस इज बॉयज हॉस्टल।
आओ ना इधर तो आओ गाइज, दिस इज सिद्धार्थ श्रीवास्तव, प्यार से हम इसको बाबा कहते हैं। हाथ तो हटा दो, बाबा पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी बिकॉज बाबा को हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो ना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.